बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। आज 2 नवंबर 2020 और मंडे का दिन, बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं ये साहब कौन हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछ रहे हैं। और काफ़ी सारे लगता है मैं इसकी रिस्पॉन्ड करता रहा हूँ आज, लेकिन इसको एज यूट्यूब का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी है कि अभी हम देखते हैं क्या, अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो भी पूरी कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम डॉक्टर साहब, सलाम। फिदाउस हैं, अर्ज कर रहे हैं स्पेन थी। अच्छा, तो डायरेक्ट कॉल की थी, तो फिर तुसी क्या वॉइस मैसेज करो। पूछना मैं ऐसी के मज सुई है, तो उन्हें ना जेर खा ली है, मुख्तलिफ नामां ते हुंदा है, एट्रोस्टार नां ते भी हुंदे आ। ए फौरन इनू टीका लवा दिओ, एट्रोस्टार दा या एट्रोपीन सल्फेट दा। बॉडी वेट दे हिसाब नाल हुंदा है, हो सकदा है 10 cc दा लगे, 20 cc दा या 25 cc दा। बॉडी वेट नाल हिसाब नाल लैके ते ओ फौरन लवा दिओ। और इनू दुध घ्यो जिहड़ा ना, घ्यो दुध ते घ्यो ये इनू बिस्मिल्ला करके होनी, इनू ड्रेंचिंग गन नाल या नाला नाल पिला सकते हो तो पिला दो, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कितना घ्यो सी दे सकने हैं और कितना दूध विच मिक्स कर लिए? बस उन्हें एक बार जिहड़े हुण देने आ, फिर क्या शाम नू देना है, अगों सुबह देना है, उहदी थोड़ी जी रूटीन प्लीज रहनुमाई फरमायो, मेहरबानी, शुक्रिया। इनू मेरी जान, कोई पहला ते 1 लीटर दूध लैके ना, ओहदे च कोई अद पा घ्यो, देसी घ्यो अद पा या पा भी पा सकते हो तुसी, ते वैसे बेहतर है अद पा पाओ। अद पा देसी घ्यो 1 लीटर दूध दे विच ते इनू नाल नाल पिला दो, बिस्मिल्लाह करके अज पिला दो, फिर कल पिला दो, परसों पिला दो, इंज इंज बेहतरीन हो जाएगी। ते तुसी अपना नाम ही दस दो ते केड़ी जगह तो बिलोंग कर दियो, ताकि शाम ने जिसमें मैं यूट्यूब ते इन्हां नूं कॉल्स बनाऊंगा ना, ते प्रोग्राम बना के अपलोड भी कर दांगा, जिसमें फर्क होया सो बीच में कॉल्स आ जाती हैं। चलिए देख रहे हैं क्या। अच्छा जी, इसमें जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम सैयद फिदाउस हैन जी, ते मैं स्पेन दी अर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान मेरा जिहड़ा जे ओ जिला गुजरात, तहसील खरी हां, गांव मेरा सतकाल जे गुलैणे दे नाल, मेरे पिंड दे कोल। इस सिलसिले विच जिहड़ा मैं माजरत चाहना, अगर तुसी बहुत वड्डी मीटिंग च बैठे हो, तुहानू डिस्टर्ब कीता है। ते असल मसला इस तरह दा सी, अज सरगी जिहड़ी है ना मज सोई है, ते ओ जिस वक्त घर आलिया जाके देखिया, ते उस वेले उहने ना ओ जेर शेर कोई नहीं सी बोले, हालांकि मज वैसे सेहत जिस्मानी तौर ते राजी माशाला, ये नहीं है कि कोई बीक है, उस हवाले नाल बिल्कुल ठीक ठाक, कट्टे ने दुध भी पीता है और उस तो बाद चवाई भी उहदी होई है, पट्ठे शट्टे मज ने खाधे ने, वह कोई टेंशन वाली गल नहीं। लेकिन ना तो इन्होंने खुद अपनी अखां नाल देखिया कि मज ने खाधी होवे, और भी जी कट्टा भी उत्थे वड्डा खुलिया सी, लेकिन वह चूंकि नहीं खा सकता, तो फिर ये इस अपनी अखां नाल इन्होंने नहीं देखा कि वह इन्हें खाधी, लेकिन एक शक की बिना ते कि इन्होंने खा ली होगी। उस सूरत विच मेरे को नंबर तुहाडा, मैं यूट्यूब ते प्रोग्राम वगैरह मैं देखता रहिंदा जी, ते नंबर मेरे को मौजूद सी, ते मैं कहा चलो डॉक्टर साहब नाल राबता करके ना ते रहनुमाई हासिल करनी है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। नहीं, मैं जिहड़ी मीटिंग च आ, ये लोग मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत करदे ने, अल्लाह ताला इन्हां नूं खुश रखे। और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इस वेले मेरे को, लेकिन उन्होंने पता है कि डॉक्टर साहब को जिस वे कोई एमरजेंसी कॉल, तो उन्होंने मैं माजरत की कि भाई जी एमरजेंसी कॉल होगी, मैं नाल ही वो जवाब देता जाऊंगा, तो बल्कि वह भी इंजॉय कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जिन्हिया कॉल आ रही हैं ने वो बिच एमरजेंसी कॉल्स ने, और फिर सदकाल दी होल तो फिर मैं ना सुना है किस तरह हो सकता है।
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। तो मेरी जान, ये मेरे गांव से के बिल्कुल करीब से हैं स्पेन में, लेकिन वहाँ से जब काले उनका एक्सेंट से मुझे ऐसे फील हुआ, दैट्स वाई आई आस्क के अपना तारुफ करा दे कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, क्योंकि वो एक्सेंट जो है ना ये बड़ा जाना पहचाना और ये हमारे करीब तर वो स्लैंग हर एक अपने अपना होता है ना एक्सेंट, तो ये हमारे एरिया का था इसलिए मैंने पूछा और मुझे अच्छा लगा। और देखते हैं कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर फीडबैक मिलेगी इसकी, और दुआओं में याद रखें अगर किसी के साथ भी ऐसा मसला हो जाए तो एट्रोपीन या एट्रोस्टार का फौरन इंजेक्शन लगाना है, और उसके बाद दूध और घी वो दें, अल्लाह फजल करेगा बेहतरीन। ये बड़ा आजमूदा नुस्खा है और इससे मैंने बेशुमार जानवर जो हैं इस तरह खा जाती हैं, वो भैंस तो खा जाती है, कई दफ़ा कुत्ते वगैरह, ये उन्होंने शक नहीं किया कि अगर कोई कुत्ता भी हो तो कुत्ता अगर रात को कोई नहीं अनअटेंडेड भैंस है तो वो कुत्ते भी पड़ जाते हैं, कुत्ता भी खा जाता है, वो ले जाते हैं। तो आई मीन देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़, लेकिन बेहतर ये होता है कि मेरी जान हमेशा जब भी भैंस हो या गाय हो बकरी हो, जब भी ये बच्चा जन्म देने के करीब हो तो इनके इनको आइसोलेट कर लेते हैं और एक वीआईपी ट्रीटमेंट देके और अपनी नज़रों के सामने रखते हैं, ताकि जब वो बच्चा जन्म दे कोई मसला हो तो फौरन हल किया जाए। और साथ ही चूंकि इसकी और भी मैं टिप्स देता रहता हूँ कि किस तरह आपने उसकी आमल को किस तरह कितनी इंच पे छोड़ के घिरा लगा के फिर शार्प कैंची से काटना है, फिर टेंचर वगैरह लगा देना है, ये सारी चीज़ें चूँकि ये बहुत ज़रूरी हैं। और देखें ना, अब ये एक किस्म का एक्सीडेंट हो गया, और दैट्स वाई कहाँ ये सदकाल से स्पेन गई, स्पेन से फिर खैर आजकल तो ज़माना ये इंटरल ये नेट का है और फौरन एक दूसरे के साथ रहा रहता है। लेकिन मेरी जान, ये आप लोगों ने जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं देख रहे हैं ज़रूर इस पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और नहीं तो लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए। दुआओं में याद रखें फी मान ला।